नाज़रीन किराम, इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ चक नंबर 148 से, आप यकीन करें कि इस चक में इससे बढ़ के मुस्तहक कोई और फैमिली मुझे नज़र नहीं आई। ये भी हमारे साथ का गांव है, ये लोग बहुत परेशान हैं, इनका घर नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, हाजरा में ही बेवा औरत है। तो आप खुद नजर लगाएं कि इस बारिश के सीज़न में बगैर घर के, जो कि 5-6 साल से मुसलसल शेल्टर में ये लोग रह रही हैं, कितने परेशान हैं। और ये सफ़ेद पोश लोग हैं, ये ना तो ये मांगने वाले लोग हैं यहाँ, ना ही ये लोग किसी के सामने अपनी मजबूरी बताने वाले लोग हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं। इनके लिए जो छाता है बहुत ज़रूरी है, छोटे छोटे बच्चे हैं। रात भी बारिश आई, माँ जी बता रहे थे कि हम बहुत परेशान हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अम्मा जी, की हाल है, खैरियत है? तो माँ जी ये बताएं कि बगैर घर के आप किस तरह रह रहे हैं? बस गुजारा कर रहे हैं। अच्छा, 12-13 दिन आधी का नहीं, अगे 3-4 दिन साइकिल लगी रही बारिश जी, दूसरों के घर में चले जाते हैं। हाँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। माँ जी बता रहे हैं कि 3-4 दिन बारिश होती रही है, सिर्फ आज बारिश नहीं आई, हमें दूसरों के घर में जाना पड़ता है। 3-4 दिन बच्चों के कपड़े भी फटे हुए हैं, अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। बाजी कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। तो बगैर घर के ये कितना अर्सा हो गया यहाँ रह रहे हैं आप? 5 साल हो गए। 5 साल से। जमीन आपकी अपनी है? ये 10 मरले इनकी जमीन है। तो काइंडली मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, किसी तरह इनके घर का इंतजाम हो जाए, कम से कम इनके बच्चों के सर के ऊपर छत मिल जाए। हमारे अपने बच्चे हैं, हम समझ सकते हैं कि जब बारिश आती है या जब सर्दी गर्मी होती है तो छोटे छोटे बच्चों को कितनी तकलीफ होती है। ये छोटा सा इन्होंने किचन बनाया हुआ है जो कि ऑलमोस्ट गीला हो चुका है, साथ ही पानी जमा हो गया था। ये इनके बर्तन है। तो 3-4 दिन मुसलसल बारिशें आती रही हैं। इस चक में सबसे ज्यादा मुस्तहक यही फैमिली है, अल्लाह पाक इनके लिए आसानी पैदा फरमाए। असम गरीब आए, असम गिले हो गए, बिस्तरे टैन दे, असन कमरे बनवा दिए, तो दुआ करे सा बहुत परेशान आए, गरीब आए पर अल्लाह तो हज करे सी घर घर का तोहफा इनको देना चाहते हैं या इनमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो नंबर दिया हुआ है, ताकि जल्दी जल्दी मेरी ख्वाहिश है कि इस फैमिली के लिए जो घर का इंतजाम है अल्हम्दुलिल्लाह वो हो जाए, ताकि ये बच्चे महफूज तरीके से अपने घर पर आए। आस पास आप पूरा गाँव देख लें, सब फैमिली है, किसी के कच्चे किसी के पक्के, वाहिद ये फैमिली है जो कि बगैर घर के रह रही है, टेंट में शेल्टर में ये लोग रह रहे हैं। कितनी दुख की बात है। खानिया पैदा फरमाएं और अल्लाह पाक इनके लिए घर का इंतजाम करें। बेटा ये खाएं, आप खाएं, आ जाए आ जाए आ जाए बेटा, आ जाए आ जाए आ जाए, ये भी ले लें। शाबाश माशाल्लाह, जाए आप मम्मा के पास। अल्लाह पाक इनके लिए आसानिया पैदा फरमाएं। सबसे छोटा बच्चा ये पिसता है तुम्हारे एक का बदला, वहाँ 70 से ज्यादा है, नियत तुरती है पलड़ों में, कभी मायूस मत होना।